जी असल ऑनलाइन फैम अली आई होप कि आप सब लोग खरीद से होंगे दिस इज असद अली एंड यूर वॉचिंग पाकिस्तान लीडिंग रिलिस्टेड यूट्यूब चैनल अपना घर डॉट पी के सबसे पहले एक वीडियो स्टार्ट करते हैं आज एक छोटे से गिले के साथ मैंने देखा है रिसेंटली काफी सारी वीडियोज पे व्यूज आ रहे हैं एवरी वन इज लविंग द दीडियोज लेकिन चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो यार अगर वीडियो देखते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया अगर मैं कहता नहीं हूं लेकिन आ, अगर नहीं कहता तो उसका यह मतलब नहीं है कि आपने वो काम नहीं करना खैर सो टुडे वी आर कमिंग विद अ वेरी बिग सरप्राइज एंड अपनी अपनी सीट बेल्ट जो है वो बांध लें क्योंकि आठ मरला सबसे सस्ता घर इस वक्त आपके सामने जो है वो आ चुका है एट मरला 1.5 स्टोरी हाउस है एंड रिसेंट टाइम में अगर आपने कोई आठ मरला घर देखे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे सस्ता आठ मरला घर आपको कहीं पे देखने को मिलेगा एंड स्पेसली विथ दिस काइंड ऑफ बिल्ड क्वालिटी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये घर कोई ए प्लस में फॉल कर रहा है या ए डबल प्लस में फॉल कर रहा है लेकिन स्टिल ये घर तकरीबन ए कैटेगरी में या ए और बी के दरमियान में कहीं ना कहीं आ ये घर फॉल घर के सामने हमारे पास थर्टी फीट वाइड सिमिटेड स्ट्रीट है इसके साथ साथ घर का अगर आप एलिवेशन देखें तो सेमी क्लासिक डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है रॉक वॉल का फ्रंट एलिवेशन हमारे पास मौजूद है छोटा सा एकद लॉन भी दिया गया है Uh, जो कि अभी कोई इतना वेल well मेनटेन नहीं है जो इसको परचेज करेगा अपने हिसाब से आप यहाँ पे फ्रूट्स भी लगा सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे फ्लॉर्स भी जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं कमिंग इन टू द हाउस हमारे पास यहाँ पे दो गाड़ियाँ एस यू या क्रॉस ओवर कार भी आपकी एक यहाँ पे ईजिली पार्क हो सकती है हमारे पास थ्री निशेज दी गई हैं जिसमें एल लाइट्स हैं और हमारे पास यहाँ पे बेज और ब्राउन कलर का जो है वो कॉम्बिनेशन इस घर का जो बेसिक थीम है दिया गया है नीचे हमारे पास सामने जो है वो पानी की जो है वो मोटर होती है वो मौजूद है यहाँ से रास्ता जा रहा टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर पूरे घर में हमारे पास अगर मैं एकोमोडेशन के वाले से बात करूँ तो तीन बेडरूम्स हैं लेकिन जिनमें से टू बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे है। एक बेडरूम हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे है लेकिन बेडरूम्स के साइज़ काफ़ी अच्छे हैं राइट साइड पर हमारे पास जो है वो वॉल दिया गया है देर इज़ अ सेपरेशन बिटवीन ड्राइंग रूम एंड टी वी जो कि हमेशा से ही अच्छी बात होती है प्राइवेसी आपकी जो है वो मेनटेन रहती है और इसके साथ साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो सॉरी हमारे पास यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी है ड्राइंग रूम के साथ इसका मतलब ये है कि आपके कोई बाहर के मेहमान आते हैं तो आप उनको कमरों के अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनके से अगर उनका पेट वगैरह ख़राब है तो <laughs> तो अभी यहाँ से अभी हम चलते हैं जी घर के अंदर तो आ चुके हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर कारपोर्स ड्राइंग रूम टी वी लाऊँ जो उसके साथ दो बेडरूम्स और एक किचन हमारे पास गेवन है ओवरऑल जिस तरह मैंने आपको बताया कि घर की बिल्ड क्वालिटी और घर की जो फिनिशिंग है वो कोई ए प्लस नहीं है लेकिन यह है कि ए कैटेगरी में ज़रूर फॉल कर रही है म आपको घर में थोड़ी थोड़ी जगह पे जो है वो देखने को मिलेगी लेकिन घर में अगर हम एमिनिटीज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है पानी का इस घर में हमारे पास बोर गिवन है लेकिन यहाँ पे गैस अवेलेबल नहीं है जो कि कई बार जो है वो मैं बता चुका हूँ वी आर स्टैंडिंग एट स्नोबर सिटी अडियाला रोड यानी कि ग्रीन विलाज रावलपिंडी राइट साइड पे हमारे पास जो है वो ओपन टू स्काई एरिया है फिर इसके साथ किचन में आप आए तो हमारे पास यहाँ पे कैबिनेट्स ब्लैक पियानो ब्लैक और वाइट कलर के जो है वो कलर के अंदर गिवन है बैक साइड पे मैंने आपको बताया ओपन एरिया जहाँ पे दिया गया है वेंटिलेशन के लिए और इसके साथ साथ किचन ओवरऑल काफ़ी डिसेंट लग रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक हुड गिवन है स्टोव यहाँ पे गिवन है और एक आदरत फैन भी है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैव क्योंकि फ़ैन होना ज़रूरी होता है किचन में और इट शुड भी कंपल्सरी क्योंकि खातन जो खाना बना रही हैं उन्होंने कुछ कुछ सजा तो उनको नहीं मिली हुई कि गर्मी में खड़े होकर वो खाना भी बनाएं और फिर पसीने में शराबूर भी हो जाएँ और फिर उसमें आपका पंखा भी ना हो मैं तो कहता हूँ ऐसी भी होना चाहिए किचन के अंदर कॉन्सेप्ट ये आम होना चाहिए फिर इसके साथ साथ मुझे पता है, जो ख़ातन ये वीडियो सुन रही हैं अभी वो वो सुन सुन के खुश हो रही हैं कि चलो किसी ने तुम्हारे वाले से जो है वो बात की सो <laughs> so, अभी वी आर इन टू द बेडरूम नंबर वन ऑफ़ द हाउस वी हैव गॉट द फोर डोर क्लोजिट्स और फोर uh, डोर होने की वजह से यह कि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है कि आप अपने कपड़े वगैरह वार की कलेक्शन सारी यहाँ पर सेव कर सकेंगे बाथरूम में हम आ चुके हैं बाथरूम में अभी स्टिल इनकम्प्लीट है मैट फिनिश के अंदर हमारे पास यहाँ पे टाइल्स दी गई हैं इंडियन सीट हमारे पास यहाँ पे गिवन है दिस वॉज द बेडरूम नंबर वन ऑफ द हाउस और यहाँ से चलते हैं जी अभी हम टू द बेडरूम नंबर टू ओवरऑल दिस इज द टी वी लाउन्स हमने मीडिया वॉल हमारे पास गिवन है बेडरूम नंबर टू में आते हैं लेफ्ट साइड पर अगेन हमारे पास यहाँ पे वॉल पेपर है या पी वी सी पैनल है इसको चेक करना पड़ेगा बैक साइड पे हमारे पास लॉन्ड्री एरिया है जिसकी दीवारों पे थोड़ी थोड़ी आपको सेम देखने को मिल रही है आई डोंट नो रिसेंटली आपको पता है मानसून सीजन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है पानी आ, बारिशों का काफ़ी ज़्यादा आया है ये भी हो सकता है कि उस वजह से सेम हो और यहाँ से हम वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास कमोड दिया गया है वहाँ पे हमारे पास इंडियन सीट गिवन थी और टॉवल हैंगिंग के लिए हमारे पास स्पेस है ऊपर क्या गिवन है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट भी गिवन है ये है जी लॉन्ड्री एरिया और कपड़े वगैरह आप यहाँ पर धो सकते हैं ये इसका जिक्र कर रहा था कि थोड़ी सी नीचे दीवार में सीपे पे जाइए ये आप में से जो कोई घर इसको परचेज करना चाहेगा तो यू नो कि हम इसको फिक्स करवा देंगे एनीवेज वी आर इनटू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस घर की आस्किंग प्राइस के वाले से बात कर दें अच्छा काफी बार मैं कमेंट्स में देख रहा होता हूं ये कमेंट आया होता है कि असद भाई घर की प्राइस बता दें यार प्राइस हर वीडियो में बताई होती है जब मैं अपस्टेयर जा रहा होता हूँ ना सीढ़ियों में यहां से मैं अब मुझे नहीं लगता कि चार पांच साल हो गए हमें वीडियोस बनाते हैं मुझे फिर ये बात रिपीट करनी चाहिए लेकिन चलें मैं काफी कमेंट्स देख रहा हूं तो प्राइस प्लीज प्राइस बता दें प्राइस बता दें ऐसे आप पॉसिबल ही नहीं है कि किसी वीडियो में प्राइस ना बताइए अभी मैं आप स्टेट जा रहा हूं मैं आपको प्राइस बताता हूं और हर घर की वीडियो में ऐसे ही होता है कि जब मैं ग्राउंड से फर्स्ट में जा रहा हूं तो मैं उसको दौरान प्राइस बताता हूं ये आप लोग एग्री करेंगे मुझे बता दीजिएगा जो लोग रेगुलर वीडियोज देखते हैं सो घर की आस्किंग प्राइस है जी वन करोड़ फोर्टी लाख एक करोड़ चालीस लाख आठ मरला डेढ़ स्टोरी घर है एट मरला वन पॉइंट फाइव स्टोरी हाउस एंड अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप आठ मरला का प्लॉट इस वक्त आज की तारीख में अच्छी सोसाइटीज़ में लें जिस तरह अच्छी सोसाइटी से मुराद नेवल एनकरिज हो गया पी डब्ल्यू डी हो गया स्वा गार्डन हो गया पार्कवी सिटी हो गया बी सेवनटीन मल्टी गार्डन हो गया बहरिया टाउन हो गया तो आपको आठ आप मरले का प्लाट सिर्फ आज की तारीख में एक करोड़ दस लाख एक करोड़ बीस लाख का सिर्फ प्लाट मिलेगा और यहाँ पर आपको वन करोड़ फोर्टी लाख में फुल बना हुआ जो है वो आठ मरला का घर मिल रहा है विद कंस्ट्रक्शन एज वेल और ये है कि इट इज़ ऑल्सो स्लाइटली निगोशियेबल स्लाइटली का मतलब है कि वाकई में ही स्लाइटली कोई इतना नहीं कोई दस पंद्रह लाख का फ़र्क पड़ने वाला लेकिन ये कि स्लाइटली निगोशियबल है और ओवरऑल अगर आप कंस्ट्रक्शन भी करवाएं तो आपको पता है कि आजकल जो कंस्ट्रक्शन के हालात हैं एनीवेज आप में से किसी ने भी इस घर को परचेज़ करना है तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग रबा करें आपको अपना घर डॉट पी के टीम इस घर का विजिट करवाएगी अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी बुक कर लेंगे हम डेट और टाइम आपको बता देंगे और इसके अलावा अगर आपने अपना कोई घर शूट करवाना हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रबा करके हमें आप अपने घर की डिटेल्स भेजें हमारी टीम जो है वो आपके घर शूट करेगी उसके कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं सो एनीस छत पर आते हैं हमारे पास थ्री फिट की पैराफिट वॉल है वीडियो करते हैं कंक्लूड अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे भैया आपने इसके बारे में इसके बारे में नहीं बताया मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा इसी दुआ के साथ के अल्लाह पाक पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को घर दे दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अला हाफज